दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के समक्ष दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक की रोशनी एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है और घर की कई समस्याओं को दूर करती है। इसी कारण सनातन धर्म में दीपक का एक अलग महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रोजाना दिया जलाने से सुख एवं समृद्धि हासिल की जा सकती है। माना जाता है कि ये अग्नि देव को साक्षी मानकर जो भी काम किया जाता है वो सफल होता है। हमारे शरीर की रचना में सहायक पांच तत्वों में से अग्नि भी एक है। इतना ही नहीं, अग्नि भगवान सूर्य का बदला हुआ रूप है। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। लोग घरों में तांबे, पीतल या मिट्टी के बने दीपक जलाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पर क्या आप आटे से बने दीपक का महत्व जानते हैं? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आटे का दीपक जलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आटे के दीपक को लेकर मान्यता है कि इसे विशेष परिस्थितियों और विशेष दिनों में जलाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको आटे के दीपक से जुड़े कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले, अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको आटे से जुड़ा उपाय अपनाना चाहिए। आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए आटे का दीपक लें और उसे माता लक्ष्मी के सम्मुख रोज जलाएं। कुंडली में राहु केतु के दोष को दूर करने के लिए घर के मंदिर में आटे का दीपक जलाएं। इस दौरान अलसी के तेल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा शनिवार को सरसों के तेल में दीपक जलाने से शनि ग्रह से छुटकारा मिलेगा। अगर आप आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आटे से बने दीपक को नियमित रूप से जलाते हैं तो इससे जुड़ा एक और उपाय आप अपना सकते हैं। इसके लिए आटे में हल्दी मिलाकर गूंथ ले, साथ ही इस दीपक में देसी घी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आटे का दीपक जलाने से अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इसके बाद इस उपाय को करना बंद न करें। प्रभावित व्यक्ति को नियम के मुताबिक दीपक जलाते रहना चाहिए। इसे बीच में छोड़ देने से आगे मनोकामना पूर्ण होने में दिक्कत आती है। कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आटे के दीपक का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप 11 मंगलवार आटे का दीपक जलाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।